सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करना है, उसके बारे में हम आपको डेमो के तौर पर बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि संस्था का विकल्प भरने है, सर्वप्रथम काउंसलिंग के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको इस प्रकार का कुछ पेज ओपन होगा जहां पर देखिए यहां पर लिखा होगा काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग के इस लोगो पे जाएंगे तो यहां पर आपको सब तीन कॉलम मिलेंगे, जनरेट ओटीपी, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको काउंसलिंग रिजल्ट से अभी कोई मतलब नहीं है। आपको 20 तारीख को काउंसलिंग का रिजल्ट जब आएगा तब उसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ दोस्तों इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि अभ्यर्थी अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ अंकित कर पासवर्ड जनरेट करेंगे। यह ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासवर्ड आप लोगों ने डाला होगा तो उसके ऊपर ये आपका ओटीपी पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर हैंडीकैप जो मैंने पहले से वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर पीएच वालों का अलग से कोटा होता है फिजिकल हैंडीकैप का, तो आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेना कि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के और यहाँ से आप लोग क्या करना है, आप लोगों को ये कैप्चा यहाँ से फिल करके और इंटर मार दे। ठीक है, इंटर जैसे करेंगे उसके पास कुछ हमारा नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो पेज कैसे ओपन होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, कुछ इस प्रकार का अलर्ट आप लोगों के सामने आएगा, यानी मोबाइल नंबर के जरिए जैसे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है योर पिन वन टाइम पासवर्ड इज सेंड टू इस मोबाइल नंबर पे। दोस्तों, यहाँ पर आपका पासवर्ड जो वन टाइम पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया जाए आपके मोबाइल रजिस्टर नंबर पे। उसके बाद जब आपका आपको जो फिल करना होगा यहाँ पर जाके और यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जब नीचे की ओर आएंगे तो अपना ओटीपी फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अभ्यर्थी पुनः काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें। ठीक है, जब आपका ओटीपी पहुंच जाएगा यानी जनरेट हो जाएगा ओटीपी, उसके बाद फिर से आपको इस पेज पे आना है और स्टेप टू पे क्लिक करना है। स्टेप टू हमारा क्या है, स्टेप टू चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग पे आने के बाद, चॉइस फिलिंग के बाद फिर हमारा कुछ इस प्रकार का कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, डीएलएड 2017 का यहाँ दिखा रहा है क्योंकि मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको 2017 जो 2019 लिखा होगा उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद जो अलर्ट दिखा रहा था आपके जो नंबर पे ओटीपी गया है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है और जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों तो उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे कुछ इस प्रकार के पेज पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के पेज पे पहुंचने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है कैंडिडेट चेंज योर ओटीपी एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वो जो पासवर्ड ओटीपी जो आपके नंबर पर गया था उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड, यानी न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर शुड बी ऑफ 8-13 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको मिनिमम आठ नंबर और अधिकतम 13। ठीक है, यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मिनिमम 8 अंक के अल्फाबेट का पासवर्ड होना चाहिए और अधिकतम 13 का। यहाँ पर दोस्तों 1, 2, 3, 4 सीक्वल काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अब उसके बाद जैसे यहाँ पर आपने पासवर्ड बना लिया, जैसे हम मेरा नाम है रमन सिंह तो मैं यहाँ पर रमन सिंह के नाम से पासवर्ड बना लूँगा। उसके बाद फिर से जब मैं ये रमन सिंह के नाम से पासवर्ड बनाऊँगा उसके बाद रीकन्फर्म यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड फिल करना जो आप लोगों ने यहाँ पासवर्ड फिल किया था वही आप लोगों को यहाँ पर फिल करने के बाद और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल वगैरह दी रहेंगी। उसके बाद फिर से नीचे आना, यहाँ पर भी डिटेल वगैरह दी रहेंगी। उसके बाद फिर से हमको नेक्स्ट करके जब आगे बढ़ेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, तब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम दिए रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया रहेगा कि च्वाइस सबमिशन फॉर क्लिक करके अभ्यर्थी स्थान वार जनपद वार संस्था का विकल्प प्लस पर क्लिक करके संस्था को चिन्हित करेगा। यानी यहाँ पर दिया गया है क्या कि आपको सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा अपना, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पर खोलने के बाद आपके यहाँ पर कॉलेज खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आप जब यहाँ पर कॉलेज डायरेक्ट कॉलेज जब चूज़ करेंगे तब इस वाले प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक करके और डायरेक्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकायदा बारी बारी से यहाँ पर, जैसे आपको एक इलाहाबाद का लेना है, उसके बाद इलाहाबाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, इलाहाबाद के सारे कॉलेज आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लें अमेठी का या सॉरी फैज़ाबाद का सिलेक्ट किया तो फैज़ाबाद के सारे कॉलेज। उसी तरह यहाँ पर प्लस के चिन्ह पर क्लिक करके आप बारी बारी से आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से उसी पेज पर आपको ले करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपने जो यहाँ पर कॉलेज चूज़ किया था, आपने कॉलेज सेलेक्ट किया था, वही कॉलेज जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे कॉलेज इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर इस कॉलेज आ जाएंगे और बाकायदा देखिए सीरियल नंबर दिखा देगा कि पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज, दूसरे नंबर पर कौन सा, इसी तरह सारे के सारे कॉलेज होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसी टाइम पर यानी इसी पेज पर आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई कॉलेज इधर उधर करना चाहें तब। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अगला पेज दोस्तों इस प्रकार का कुछ मैसेज आएगा आपके सामने, और दोस्तों मैसेज में क्या लिखा होगा, योर चॉइस हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन आफ्टर स्पेसिफाई इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग आगे जब क्लिक करेंगे तो फिर से आपकी सारी के सारी डिटेल वगैरह दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पेज दोस्तों इस प्रकार का खुल के आएगा कि आपने कितने कॉलेज सेलेक्ट किए। ठीक है, जितने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसके बाद यहाँ पर आपको चेक ऑल करना होगा। ठीक है, चेक ऑल करने के बाद यानी सब पे टिक लगाना होगा, और यहाँ पर डिलीट चेक, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि डिलीट चेक आइटम, यहाँ पर जितने आइटम आप अनलॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर अनलॉक ऑल, ठीक है, अनलॉक ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अनलॉक ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का स्टेप तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि अगर आप यहाँ पर अनलॉक नहीं करते हैं तब भी वो लॉक कॉलेज, सॉरी यहाँ पर अगर आप लोग कॉलेज लॉक नहीं करते हैं तब भी वो कॉलेज लॉक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा कुछ इस प्रकार का स्टेप होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्टेप होगा कि यस प्लीज़ टू ऑप्स प्लीज़ नो। ठीक है, यस पे आप लोग क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से ये कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा आप लोगों के सामने कि च्वाइस हैज़ been removed from your failed choice successfully, यानी आप जो कॉलेज हटाना चाहते हैं उस कॉलेज को भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, अभ्यर्थी भरे गए संस्थान के विकल्प को देखने के लिए व्यू सबमिट चॉइस पर क्लिक करें, व्यू सबमिट चॉइस पर क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, व्यू सबमिट चॉइस, देखिए यहाँ पर दिया गया है ये व्यू सबमिट चॉइस पर, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ अलग पेज ओपन होगा। ये देख सकते हैं, जब यहाँ पर व्यू जब सबमिट चॉइस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी डाट हैं सारा का सारा सब कुछ दिखाएगा, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो भी कॉलेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए संस्थान के विकल्प की वरीयता क्रम में परिवर्तन हेतु इंटरचेंज पर क्लिक करें। ठीक है, इंटरचेंज पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, इंटरचेंज में जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर क्या होगा, चॉइस फॉर्म वन और चॉइस टू ये। ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरचेंज यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग वगैरह यहाँ पर कॉलेज में कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जब हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे तो कुछ हमारा इस प्रकार का पेज
ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को चेंज करना भी बताया गया कि कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके डाइट कॉलेज की लिस्ट खुल के आ जाएगी, यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब चेंज हो जाएगा, जब आप लोग चेंज एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का देखिए आप लोगों के सामने फिर से मैसेज आ जाएगा, यानी सेव सक्सेसफुली, इंटरचेंज सक्सेसफुली, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भरे गए संस्थान के विकल्प से पूर्णतया सुनिश्चित होने के पश्चात अभ्यर्थी लॉक चॉइस पर क्लिक कर पूर्व में बनाए गए पासवर्ड के माध्यम से संस्थान के विकल्प को सेव करें। एक बार लॉक किए गए विकल्पों में पुनः किसी प्रकार की परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों अब आप लोगों को अगर फॉर्म एकदम सही सही आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की है तो उसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं एक बार लॉक करने पर। लॉक कैसे होगा दोस्तों, आपको जो पहले पासवर्ड आपने नया क्रिएट किया था वो वाला पासवर्ड डाल के होगा। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे डालना है उसको आगे हम बताते हैं। पर दोस्तों आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा जब आगे बढ़ेंगे तो आई एग्री टू लॉक माई चॉइस। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या मांग रहा है, योर लॉक योर चॉइस। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही पासवर्ड डालना है जो आपने शुरुआत में क्रिएट किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है जो आपने शुरुआत में क्रिएट किया था पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर यस प्लीज़ लॉक, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद, जैसे मैंने रमन सिंह पासवर्ड क्रिएट किया तो रमन सिंह में डालने के बाद, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डालने के बाद यस प्लीज़ लॉक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्लीज़ लॉक पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों के सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, योर फेल्ड चॉइस, यानी यहाँ पर, और हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली नाउ। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी अपने लॉक किए गए विकल्प का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो हमारा प्रिंट आउट लेने का होगा। यहाँ से आप लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और प्रिंट आउट दोस्तों ज़रूर निकलवा लेना। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, इससे आप लोगों का बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है आगे। मान लिया गया तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सा डाइट मैंने चूज़ किया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये चॉइस फिलिंग डेमो आपको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।